लोग बैल चलाते हैं सेम उसी कंडीशन में, एक बैल आ रहा है बुग्गी में। यहाँ एक छोटा सा बछड़ा जोड़ रखा है बुग्गी में अमेरिकन, कई महिलाएं बैठी हैं और वो अपना बैल एक जोड़ रखा बुग्गी में। ये सब किसान खेतों पे जा रहे हैं। मैं आज बहुत दूर हूँ और यहाँ बैलों से, अच्छा आपके यहाँ बुग्गी नहीं चलती जिसमें छोटा जोड़ा जा? छोटा जोड़ा जा चलती तो है लेकिन नहीं, अभी है नहीं इस क्षेत्र में। हमारे मेरठ में तो बैल जोड़ता नहीं कोई बुग्गी में इस तरह। अच्छा सब छोटा जोड़ते हैं या ट्रैक्टर से लाते हैं गन्ना। मेरठ क्षेत्र से हमारे वहां तो ट्रैक्टरों पे हो गए लोग बाग, बैल भी छोड़ दिए रखने, जब भी तो परेशान है बैल जंगलों में भगे फिर रहे। अगर किसान हाँ नहीं वो तो करते हैं लेकिन बुग्गिया भी इनसे लाते हैं छोटा नहीं जोड़ते। चलो बहुत बढ़िया, भाइयों एक बात हो रही है, यहाँ गन्ने को पत्ती से नहीं बांधते पुराल से बांधते हैं। ये तो इन्होंने बांध रखे देखो पुराल, पुराली से बांध रखा गन्ना, ऐसा करते हैं। भाइयों मैं आज जलीलपुर गांव में हूँ और ये बिजनौर में पड़ता है। ये हमारे मित्र ऋतुराज जी का बाग है, काफी जमीन है इनके यहाँ। अभी मैंने इनके यहाँ एक 60 मॉडल मैसी की वीडियो बनाई है। अब मैं हस्तनापुर की तरफ बढ़ गया हूँ भाइयों, ये देखिए काफी जंगल है इनका, बाग ही बाग है इनके पास। इधर ये 744 मिल गया एफी, जिस पे लकड़ी लोड हो रही है। ये रहा भाइयों, मैं एरोला गया था, वहां से बास्ता आया, बास्ता से लोकेशन डाली मैंने जलीलपुर की और जलीलपुर में ऋतुराज जी के पास आया, वहां से उनके ट्रैक्टर की वीडियो बनाई। अब चल दिया हूँ, ये इनके बाग हैं और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ये कोई और गांव आ गया है अब जा। ये भाइयों जलीलपुर है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, ये देखिए आप। किसान भाइयों मैं आज हस्तनापुर से भी आगे खादर में हूं पूरम में। यहाँ देखिए बैलों से बैलगाड़ी चलती हैं, दो बैल जोड़ रखे हैं और यहाँ बुग्गी नहीं है झोटे वाली, झोटा तो मुझे किसी की बुग्गी में दिखाई नहीं दिया। बैल भी होगा तो एक ही होगा, दो नहीं रहते। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आपके यहाँ झोटा नहीं चलाते बुग्गी में? सही बात है, ये कह रहे हैं सब न्यारे हो गए, इससे खेत में जुताई कर लें, बैलों से कंट्रीमीटर निकाल लें। अब मैं भाइयों आगे बढ़ता हूँ। भाइयों मैं अब जा गंगा के पुल के निकट आ गया हूँ, ये पुल पार करते ही हस्तनापुर साइड आ जाएगी। ये देखिए गंगा का घाट कितना चौड़ा फाट है भाइयों, उत्तर प्रदेश पुलिस। ये पुल शुरू हो गया यहां से, भाई ये बहुत लंबा पुल है और देखिए गंगा जी का जल, जल ही जल है।
भाई, जो कटाव देखिए सड़क में कितने खतरनाक हैं। अगर जरा सा भी हाथ बैग जाए तो कलाबादी चार खाओगे, गाड़ी निकलेगी नहीं जल्दी से, सारी गाड़ी टूट जाएगी। ये लेफ्ट साइड कटी हुई है क्योंकि इधर से पानी आया तो इधर कटाव किया उसने, सारा जल लबालब भरा है। ये देख लीजिए आप, ये रोड है चांदपुर टू हस्तनापुर। अब मैं हस्तनापुर की तरफ आ रहा हूँ। बापरे कितने गहरे गड्ढे हैं भाई, ये देख लो आप। वहां तक ही ऐसे ही भाइयों, देखिए गेहूं गल गए पानी में, ये तालाब सा भरा है, चाहे इसमें मुंजी धान लगा लो। इतनी बारिश पड़ी अब की बार, गन्ना भी खराब हो गया, कुछ तो जमाई अच्छा था वो तो ऊपर से गल गया। बेचारे किसान तो दुखी है ही। ये गेहूं देखिए जगह जगह पेड़े पड़ गए, पैदावार घटेगी बहुत ज्यादा। अब मैं हस्तनापुर के निकट आ गया हूँ भाइयों, मैं हस्तनापुर में एंट्री कर गया हूँ। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ मंदिर हैं, बड़ा मन लगता है भाइयों। भाइयो कितनी सारी भीड़ है, क्यों भाई कहाँ के रहने वाले हैं? हम सहारनपुर के हैं। अच्छा सहारनपुर से इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? ये खादर में लेके चुका चुका खादर में कैसे लेके जाओगे? इधर इनके क्या खादर है? तो इनके तो गांव है। अच्छा जैसे ये खेत में पड़ जाएगा, खोजा कैसे पता लगे? अजी वो जो खोई गई खोई गई। अच्छा रल भी जाएगा? हाँ रल भी जाती भी नहीं, वो से बताया था मतलब। तो तुम इतनी मेहनत करो तो मैं लाभ क्या इनसे? लाभ ये है जब उनकी ऊन बिक जाए, दूध बिक जाए, इनके बच्चे बिक जाए। तो कितनी ऊन चली जाए इनकी साल भर में? ऊन में साल भर में 3 बार कटाया जाए इनकी ऊन, तो हो जाए 1 लाख के आसपास। ना जी 20-30 हजार की हो जाए। 20-30 हजार की। और बच्चे क्या भाव बिक जान के? बच्चे नहीं बिक जाए, 2 के 3 के बस एक कर बिक 2 हजार के। हाँ जो दूध का मतलब दूध बिना डट रहे। अच्छा दूध का देखते हैं, बकरी ज्यादा दे भेड़ ज्यादा दे? बकरी ज्यादा दूध, ये तो कम दे दूध, ऐसे ना खाते हैं बच्चे पड़े हैं बच्चे तो। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।